नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनाइटेड नेशंस वुमेन, यूएन वुमेन, ये जो एंटिटी है जिसको आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर इसका, कैसे ये काम करता है, इसकी स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज क्या हैं, अभी के लिए वुमेन का स्टेटस क्या है, यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, मेन रोल्स क्या है, करता क्या है ये, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 की थीम क्या है, और इसका फाइनली कंक्लूजन। तो पूरा का पूरा ये जो यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए वर्ड ऑफ द माउथ से। तो भाई, ये यूनाइटेड नेशंस वुमेन एक यूनाइटेड नेशंस की एंटिटी है, करती क्या है, जेंडर इक्वलिटी को लाने की कोशिश करती है, वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश करती है, ग्लोबल चैंपियन है वुमेन और गर्ल्स के लिए। क्या काम था, इसको बनाया क्यों गया था, इट वॉज मेड और इट वॉज एस्टैब्लिश टू बी प्रसाइज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन मीटिंग देयर नीड्स फॉरवर्ड। ये देयर कौन है, ये वुमेन है। तो ये जो यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन मेंबर स्टेट्स की मदद करता है ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के थ्रू, ताकि जेंडर इक्वलिटी की तरफ काम किया जा सके, और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो, और ऐसे नियम कानून, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, सर्विसेज बनाए जाएं जो सच में मदद करें वुमेन्स को और गर्ल्स को, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और वुमेन इक्वालिटी की बात की गई है, तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में भी यूएन वुमेन का बहुत बड़ा रोल है। फिर ये जो यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए, रेजोल्यूशन 64/289 क्या बोलता है कि जो यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक अंडर सेक्रेटरी जनरल हेड करेगा। इस अंडर सेक्रेटरी जनरल को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करेगा, कहाँ का, यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल एक अंडर सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करेगा, मेंबर स्टेट्स के साथ डिस्कस करके 4 साल के टेन्योर के लिए, और एक अंडर सेक्रेटरी जनरल को एक बार टर्म रिन्यूअल भी मिल सकता है, यानी एक 4 साल के टेन्योर के बाद एक 4 साल का टेन्योर और भी मिल सकता है। खुद सेक्रेटरी जनरल का भी 5 साल का टेन्योर होता है और 5 साल के बाद वो एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब एक बार एक्सटेंड किया जा सकता है सेक्रेटरी जनरल का भी टेन्योर और अंडर सेक्रेटरी जनरल का भी टेन्योर, एक बार एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएन वुमेन की बात हो रही, इट इज़ गवर्न बाय मल्टी टायर्ड इंटर गवर्नमेंटल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पॉलिसी गाइडलाइंस। अब देखिए, यूएन वुमेन के काम करने के तरीके में, इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एक मेजर रोल है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का, और साथ साथ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का। तो बेसिकली ये तीन जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, कहीं ना कहीं इस यूएन वुमेन की जो नॉर्मेटिव पॉलिसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको डिसाइड करने में यूएन जनरल असेंबली, इकोसॉक और कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का मेजर रोल है। ओके, ये इंटर गवर्नमेंटल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, मतलब अलग अलग कंट्रीज इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में होंगी। यूएन वुमेन को वो ऑपरेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी, मतलब ग्राउंड लेवल पे वुमेन की हालात को सुधारने के लिए क्या करना है, इसके पॉलिसी गाइडलाइंस को रियल टाइम में देना। बेसिकली यूएन वुमेन 4 स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज में काम करेगा, वुमेन लीड, पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट इक्वली फ्रॉम गवर्नेंस सिस्टम, वुमेन हैव इनकम सिक्योरिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, ऑल वुमेन एंड गर्ल्स लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, वुमेन एंड गर्ल्स कंट्रीब्यूट टू हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन बिल्डिंग सिस्टम विद पीस एंड रेजिलियंस। ये काम है, ये यूएन वुमेन की 4 स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज है, और कहीं ना कहीं यूएन जो वर्क कर रहा है 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भैया जेंडर इक्वलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक मेजर जो फैसेट है, फंडामेंटल फैसेट जिसको बोलना चाहिए, वो जेंडर इक्वलिटी है, और यूएन वुमेन एक मेजर रोल प्ले करता है जेंडर इक्वलिटी को मीट कराने में। जेंडर इक्वलिटी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है। देखिए, बेसिक ह्यूमन राइट क्या होता है कि भाई खाना चाहिए, ढंग से रहना है ही, एक डिग्निफाइड लाइफ रहनी है ही। तो जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे देखा जाए, सीधे सीधे बात करो तो देखिए, वैसे तो बेसिक ह्यूमन राइट है, बट नॉर्मल कर देखा जाए तो बेसिक ह्यूमन राइट इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में खाना पीना, सही कपड़े पहनना, डिग्निटी से रहना, ऑनर से रहना, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है। तो जेंडर इक्वलिटी को आप बेसिक ह्यूमन राइट्स बोल दो टेक्निकली नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर वुमेन प्रोग्रेस करती हैं, इसके बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा, इनॉर्मस सोशियो इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस। अभी ये एक फायदा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। सोशियो इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस में इकोनॉमी भी आ गई, यानी वुमेन जब काम करती हैं तो भैया इकॉनमी से काफ़ी फायदा होता है,
आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 50% वुमेन है ऑलमोस्ट। हालांकि जेंडर सेक्स रेशियो बहुत खराब है जिसके चलते वुमेन कम पैदा हो रही है खासकर इंडिया और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में, बट फिर भी अगर आप बात करो तो 50% लमसम आबादी वुमेन होती है। तो अगर 50% आबादी को आप जेंडर इनइक्वालिटी के चलते इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप वुमेन को एम्पावर करते हैं, वो इकोनॉमी में काम करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बहुत से सोशल डेवलपमेंट भी होंगे। जब वुमेन ताकतवर होंगी ना तो ओवरऑल जो सोसाइटी के सोचने का माइंडसेट है वो बदलेगा। इसके लिए वुमेन को डिसेंट वर्क प्रोवाइड करवाना, जेंडर वेज गैप्स को कम करना, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। देखिए होता है ये कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ पे वुमेन्स को इग्नोर किया जाता है, जहाँ पे वुमेन्स को एंटरटेन नहीं किया जाता, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी। बट धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, अब आर्म फोर्सेस में भी कॉम्बैट रोल्स में वुमेन जा रही हैं। तो वो जो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन था जहाँ पे जेंडर के आधार पे कुछ ऑक्यूपेशंस में वुमेन को डिप्लॉय नहीं किया जाता था, इन चीज़ों को बदला जा रहा है। बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर जो कि आज की दुनिया में भी बहुत सी जगह पे वुमेन को नहीं मिल रही हैं, ये मिले, इस चीज़ को इंश्योर कराई करने की बात की जा रही है। वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन, जिन जगहों पे वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को सजेस्ट करना कि भाई आप वुमेन को रिप्रेजेंटेटिव दीजिए, साथ साथ ग्राउंड लेवल पे वुमेन्स के लिए कुछ करिए। इस चीज़ को कर रहा है कौन? यूएन वुमेन। यूनाइटेड नेशंस ने इनफैक्ट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि कुछ लैंडमार्क एग्रीमेंट्स से बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एंड कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो एक तो हो गया बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, और एक है सीडॉ, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशंस के बैनर के अंदर ही आए हैं ये कन्वेंशंस, ये रेजोल्यूशंस इसलिए किए गए हैं कि वुमेन की हालत को सुधारा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस हमेशा सक्सेसफुल रहा है इन चीज़ों में। यूनाइटेड नेशंस एक बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि वुमेन के लिए कुछ कर पाए, बहुत से चैलेंजेस हैं। अभी देखिए वुमेन की हालत को ग्राउंड लेवल पर सुधारना आसान काम नहीं है। एक सरकार वुमेन की हालत को एक लिमिट से ज़्यादा सुधारना चाहे इस बात पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे पाकिस्तान की सरकार इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर चलती है, उनका क्या बोलना है कि नहीं भाई वुमेन्स को एक लिमिट से ज़्यादा ताकतवर नहीं दे सकते। हालांकि वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उस लेवल पर नहीं हो रहा है। तो उसके चलते इन यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम होती है कि भाई दुनिया में जो जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज हैं इनको कैसे एड्रेस किया जाए। इसीलिए जुलाई 2010 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया ताकि वुमेन की सिचुएशन को होलिस्टिक तरीके से सुधारा जा सके। इसका एक और नाम है यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ताकि वुमेन की प्रॉब्लम्स को क्लियर कट सॉल्व किया जा सके एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो यूएन वुमेन जो था दैट वाज अ पार्ट ऑफ यूएन रिफॉर्म एजेंडा, जिससे रिसोर्सेज और मैंडेट्स को साथ में लाके वुमेन की हालत को ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहले यूएन सिस्टम में जो सिस्टम्स थे वुमेन को सुधारने के लिए वो ये थे DAW, INSTRA, OSAGI और यूनिफॉर्म, इनके फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मर्ज करके यूएन वुमेन में मिला दिया गया है। तो ज़्यादातर चीज़ें यूएन वुमेन के बारे में आपको पता ही चल गई हैं। एम्पावरमेंट एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ग्लोबली, इसको मीट करना यूएन वुमेन का काम है। वही चीज़ें फिर से यहाँ पर रिपीट की गई हैं कि भैया वुमेन क्या करेगा। तो भैया इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ की मदद करेगा वुमेन के लिए नॉर्म्स सेट करने में, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करने में। फिर कमीशन ऑन द स्टेटस फॉर वुमेन की भी मदद करेगा कि भाई वुमेन सेंटर्ड पॉलिसीज लेके आई जा सकें। जो मेम्बर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सिविल सोसाइटी को इंगेज करेगा वुमेन की हालत को अच्छा करने के लिए। जेंडर इक्वलिटी में यूएन के सिस्टम के वर्क को लीड और कोऑर्डिनेट करेगा कौन? यूएन वुमेन। जितने भी प्रकार के ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं उसमें जेंडर इन्वॉल्व होता है। वुमेन की इक्वलिटी को लाना ज़रूरी है और उसके लिए लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। भैया ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह पे वुमेन लीडरशिप ज़रूरी है, क्योंकि जब वुमेन्स लीडरशिप रोल में होंगी, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो वुमेन के लिए अच्छा करेंगी। अगर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होगी तो कहीं ना कहीं वुमेन के लिए उतना कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मेल्स कुछ करेंगे नहीं वुमेन के लिए, बट उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जिस लेवल पे तब हो सकता है जब वुमेन सीधे सीधे इन्वॉल्व हो। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर आप वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी इरेडिकेशन और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सकती है।
एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए वुमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो दुनिया भर में बढ़ रहा है, जिसके चलते वुमेन का फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल हर प्रकार का हैरेसमेंट होता है, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ज़रूरी है कि उनको बचाया जाए। पीस और सिक्योरिटी, तो भैया सिक्योरिटी एफर्ट्स होने चाहिए वुमेन के, तो सिविल वॉर जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे वुमेन को प्रोएक्टिवली बचाया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वुमेन बचाओगे तो उसके साथ साथ आप उनके बच्चों को भी बचाओगे। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, तो भैया ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स मस्ट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट वुमेन एंड गर्ल्स लाइक मेन एंड बॉयज हैव मच टू कॉन्ट्रीब्यूट इन प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्राइसिस। देखिए जब भी कहीं क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है वहाँ पर रिस्पॉन्स फोर्स भेजी जाती है, उस रिस्पॉन्स फोर्स में वुमेन के इन्वॉल्वमेंट को ही बढ़ाना है। अगर वुमेन के इन्वॉल्वमेंट को अगर आप रिस्पॉन्स फोर्स में बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है एक और होलिस्टिक तरीके से कहीं ना कहीं जो वुमेन की डिसीजन मेकिंग होती है ना वो मेन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को समझ पाती हैं, एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से, एक केयर गिविंग के पर्सपेक्टिव से समझ पाती हैं। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। पीस एंड सिक्योरिटी में, तो भाई जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, ड्रॉट्स आ गया, फ्लड्स आ गया, वहाँ पे अगर वुमेन्स की मदद कर दो तो ऑटोमेटिकली आप उनके बच्चों की मदद करोगे, तो ऑब्वियसली ओवरऑल यू एंड वुमेन एक मेजर फैक्टर की तरह सामने रखिएगा। फिर यूथ, देखिए जेंडर डेवलपमेंट इक्वालिटी को प्रमोट करने का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप यूथ के अंदर जेंडर सेंसिटिव इश्यूज और जेंडर एम्पावरमेंट के आइडियाज़ को लेके आए, उससे यूथ ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से काम करेगा कि वुमेन ऑटोमेटिकली आगे आएंगी। गवर्नेंस एंड नेशनल प्लानिंग, नेशनल प्लान्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस, बजट वुमेन को ध्यान में रख के बनाए जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा में भी वही सारी बातें, कुछ अलग उतना यहाँ पे है नहीं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूएन वुमेन ने 8 मार्च 2021 को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आएगा उसकी थीम अनाउंस कर दी है। थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ COVID-19 वर्ल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन लाइनर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। फिर भाई प्रायोरिटी थीम क्या थी, 65th सेशन ऑफ द कमीशन ऑफ वुमेन की, वुमेन्स फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक लाइफ एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो ये अब आप समझ ही गए होंगे, अब ज़्यादा बोल वचन हो रहा है, काम की फैक्ट वाली चीज़ें मैं आपको सारी की सारी बता चुका हूँ। अब यहाँ एक एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं। COVID-19 के पैंडेमिक की बात की जाए, COVID-19 के पैंडेमिक के रिस्पेक्ट में ट्रेंड देखा गया है, जिन जिन कंट्रीज़ में हेड ऑफ गवर्नमेंट वुमेन है ना वो कंट्रीज़ बहुत इफेक्टिव रही हैं COVID-19 के स्प्रेड को रोकने में। जैसे कि आप डेनमार्क, इथोपिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्लोवाकिया की बात करिए, यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट वुमेन है, कहीं ना कहीं जो COVID-19 की हैंडलिंग है ना इन कंट्रीज की मच बेटर है। इनमें एक लेडी जैकिंडा आर्डन जी काफ़ी न्यूज़ में रही थी, वो नीदरलैंड की प्रधानमंत्री, फिर से वो प्रधानमंत्री बन गई एक मेजॉरिटी के साथ। तो कहीं ना कहीं COVID-19 के रिस्पॉन्स में वो कंट्रीज जिनकी हेड ऑफ गवर्नमेंट वुमेन थी उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एग्जांपल बताता है कि भैया अगर आप वुमेन को एम्पावर करते हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को होलिस्टिकली डेवलप करोगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों बढ़ेंगे, वुमेन का पोटेंशियल और टैलेंट का इस्तेमाल करके इकोनॉमी को भी तेजी से ग्रो किया जा सकता है, इन सब चीज़ों में यूएन वुमेन एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो ये था यूएन वुमेन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।